ये पांच चीजें जिसके घर में होती है वो वैकुंठ माना जाता है, उसके घर में देव वास हो जाता है। ये साधना है, यानी जब अगर प्रभु के मार्ग में आना है तो उस लायक बनना होगा, शरीर को लगाना होगा। उनकी पहले प्रथम रूप में तो आपको मारा सीढ़ियां चढ़नी ही होंगी, और उसके लिए प्रथम आवश्यक है। कौन कौन सी पांच चीजें? पहला, शालिग्राम शिला होनी चाहिए आपके घर में, ठीक है? शालिग्राम शिला, गरुण घंटी होनी चाहिए आपके घर में, ठीक है? वो गरुण घंटी देवालय में भी बजनी चाहिए, और जहां जहां आपके कमरे हैं वहां जहां जहां प्रतिमा ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्रपट लगे हैं वहां तक उसकी ध्वनि जानी चाहिए ना। लेके जाओ दिया के साथ हर जगह ठाकुर जी का जो आप स्वरूप लगाते हैं अपने घरों में वहां वहां तक, क्योंकि गरुण भगवान सारे कष्टों को हरण करने के लिए सक्षम हैं। जब गरुण घंटी का अर्थ होता है दुखों को भगाना, जब ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृध सर्वाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट नेमी, भगवान गरुण हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सब का हरण कर ले, और ये गरुण घंटी उसी का प्रतीक होता है। जब आप बजाते हैं उसका अर्थ होता है जीवन के अरिष्टों को शमन करना, दुखों को भगाना। तो पहला कौन सा? शालिग्राम शिला। दूसरा गरुण घंटी। तीसरा शंख होना चाहिए घर में, ठीक है? शंख हमेशा भगवान को भर करके समक्ष रखें, उसमें तुलसी पत्र डालें, और शंख की ध्वनि बड़ा होना चाहिए जिससे आप ध्वनि कर सकें सुबह। तो आपका तो कल्याण होगा, पड़ोसी वड़ोसियों का भी कल्याण हो जाएगा ना। नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती जिनके यहाँ शंख ध्वनि होती है, और जो शंख ध्वनि करता है उसकी वाक की शुद्धि हो जाती है, शब्द खुल जाते हैं उसके, प्रखर हो जाता है वाणी में। इसलिए शंख जो बजाएगा उसकी शाब्दिक शक्ति या वाक की शक्ति जागृत हो जाएगी। तो यहां तीन हो गए, चौथा होता है तुलसी का विरला होना चाहिए घर में, और पांचवा बाणलिंग होने चाहिए घर में। बाणलिंग माने नर्मदा नदी के किनारे कोई भी पत्थर नर्मदा नदी से लेकर आए और उसको भोलेनाथ के रूप में स्थापित कर लें घर में। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं करानी होती, वो स्वयं में ही शिव होते हैं। तो ये बाणलिंग जिसके घर में होता है, शालिग्राम शिला, गरुण घंटी हो, शंख हो, तुलसी हो, तो वो घर वैकुंठ कहलाता है। एक बात याद रखिएगा, शंख का जल कभी भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाना, ठीक है? निषेध है, क्योंकि शंखचूड को भगवान शिव ने मारा था, नहीं चढ़ाना कभी भी। शिव पर आप तुलसी चढ़ा सकते हो। शिव महापुराण में भी कई जगह, श्रावण मास चल रहा है, शिव आराधना करें। अगर जो जीवन में नारायण की भक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं जो तुलसी दल भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। अपितु भगवान शिव नारायण का प्रिय बना देते हैं जो श्रावण मास में बिलपत्र के साथ साथ तुलसी चढ़ाए। बिलपत्र को भी कैसे चढ़ाना चाहिए, विशेष महत्व है महाराज। बिलपत्र का जो तीन पत्ते होते हैं उसका जो चिकना पत्र होता है उसको शिव पर अर्पण करना चाहिए। चिकना जो पात्र होता है, चिकना चिकना, उस पे अगर आप हो सके तो ओम लिख दीजिए तीनों पत्ते पे, या राम लिख दीजिए, ठीक है? अपने मन की जो भी इच्छा हो, ऐसा कहकर उसकी डंडी आपकी ओर होनी चाहिए, मुख भगवान शिव की ओर होना चाहिए, ऐसे चढ़ाया जाता है। और उसका चिकना पत्र ऐसे हो, और अपनी मन इच्छित चीजों को अपने मन में रखकर भोलेनाथ को वह चढ़ाएं। 5, 11 जो भी आपकी आस्था, और सबसे नीचे वाला बिलपत्र अपने साथ जब पूजा कर लें उठा कर ले आए। अगर आपको व्यापार में संबंधी कोई समस्या है तो आप अपने व्यापार में उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने पास हमेशा उसे रखें।
एक वर्ष के लिए, अगले श्रावण मास फिर आपको दोबारा उससे विसर्जित करके भगवान शिव से फिर ले लेना चाहिए। तो एक साक्षात शिव का ही स्वरूप होता है, बिलपत्र साक्षात त्रिदेवों का स्वरूप।